नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। यूपीएसटीएफ ने मेरठ में गुरुवार को गैंगस्टर अनिल दुजाना को एनकाउंटर में मार गिराया। वह नोएडा के बादलपुर थाना क्षेत्र के दुजाना गांव का रहने वाला था। 3 साल से अयोध्या जेल में बंद था और कुछ समय पहले ही जमानत पर छूटा था। इसके बाद से फरार चल रहा था। दुजाना के खिलाफ 18 मर्डर समेत 62 से ज्यादा केस दर्ज थे। वह गिरोह बनाकर हत्या और लूट की वारदात करता था। यूपीएसटीएफ पिछले 6 साल में दुजाना समेत 184 एनकाउंटर कर चुकी है। मुठभेड़ के समय अनिल दुजाना सफेद रंग की स्कॉर्पियो में बताया जा रहा है। बताया यह भी जा रहा है कि वह बागपत अपनी ससुराल जा रहा था, तभी मुखबिर की सूचना पर एसटीएफ ने उसे जानी भोला की झाल के पास घेर लिया। इसके बाद उसने एसटीएफ टीम पर फायरिंग शुरू कर दी और जवाबी फायरिंग में वह मारा गया। इनकाउंटर के बाद फॉरेंसिक की टीम ने जब उसकी गाड़ी चेकिंग की तो उसमें कई हथियार भी मिले। दुजाना का आतंक पश्चिमी यूपी के अलावा दिल्ली, राजस्थान और हरियाणा में भी था। उस पर बुलंदशहर पुलिस ने 25,000 और नोएडा पुलिस ने 50,000 का इनाम रखा था। इस तरह से उस पर कुल 75,000 रुपए के इनाम घोषित थे। उस पर साल 2002 में पहला मामला गाजियाबाद के कविनगर थाने में हत्या का दर्ज किया गया था। उस पर गाजियाबाद के हरबीर पहलवान की हत्या का आरोप था और 2011 में नोएडा के एक मामले में 3 साल की सजा सुनाई गई थी। जेल से बाहर आते ही दुजाना ने जयचंद्र प्रधान हत्याकांड में उसकी पत्नी और गवाह संगीता को धमकी दी थी। इसके बाद पुलिस ने उसके खिलाफ पिछले सप्ताह 2 मुकदमे दर्ज किए थे। नोएडा पुलिस और एसटीएफ अनिल दुजाना के गिरफ्तारी को लेकर लगातार छापेमारी कर रही थी। पिछले दिनों 7 टीमों ने 20 जगह छापेमारी की थी, लेकिन दुजाना हाथ नहीं लगा था। क्राइम ब्रांच का दावा है कि दुजाना मंडावली के एक बिजनेसमैन की हत्या के इरादे से घूम रहा था। वहीं पुराने केस में पेश होने से दुजाना के खिलाफ गैर जमानती वारंट भी जारी किया गया था। पश्चिम यूपी में गैंगवार की शुरुआत महेंद्र फौजी के सतबीर गुजर गैंग के जमाने में हुई। इसके बाद सुंदर भाटी और नरेश भाटी गैंग के बीच गैंगवार होने लगी। दोनों सतबीर गुजर के गुर्गे थे। सुंदर भाटी ने 2004 में जिला पंचायत अध्यक्ष बन चुके नरेश भाटी की हत्या कर दी। इसके बाद नरेश भाटी के भाई रणदीप और भांजे अमित कसाना ने बदला लेने की ठानी। इस काम में उन्होंने दुजाना को भी शामिल किया और साहिबाबाद स्थित भोपुरा में नवंबर 2011 को सुंदर भाटी के साले की शादी थी। वहां पहुंचकर रणदीप, अनिल दुजाना और कसाना ने AK-47 से ताबड़तोड़ फायरिंग की। इसमें 3 लोग मारे गए, लेकिन सुंदर भाटी बच निकला। तब से वह पश्चिम यूपी में चर्चा में आ गया था। अनिल दुजाना तीसरे हत्याकांड में जनवरी 2012 में पकड़ा गया। इसके बाद वह जेल से अपनी गैंग चलाने लगा। इसमें रणबीर भाटी, अमित कसाना और उसकी मदद किया करते थे। वह जेल से ही मर्डर और रंगदारी की साजिशों को अंजाम देने लगा। इसी बीच सुंदर भाटी गैंग ने जनवरी 2014 में दुजाना के घर को घेर लिया और ताबड़तोड़ फायरिंग में दुजाना के भाई जय भगवान की मौत हो गई। इस मामले में अनिल के पिता ने सुंदर भाटी समेत 8 लोगों को नामजद कराया था। दुजाना गैंग ने इसका बदला लेने के लिए सुंदर के गुर्गे राहुल का मर्डर कर दिया था। दुजाना के गुर्गे ने जनवरी 2019 में दिल्ली के नंद नगरी में कारोबारी से 50 लाख की रंगदारी मांगी थी। वह 9 साल बाद जनवरी 2021 में जमानत पर बाहर आया था। फिर 16 अक्टूबर 2021 को सिकंदराबाद के एक कारोबारी से 1 करोड़ रुपए रंगदारी मांगी। साथ ही खेड़ी गांव के प्रधान जयचंद हत्याकांड में गवाह उसकी पत्नी को भी धमकाया। इन दोनों केसों में वह मोस्ट वांटेड चल रहा था।